हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हम सब लोग। स्वागत है आपका फार्मिंग सिमुलेटर 22 की एक और मजेदार गेम प्ले वीडियो में। तो गाइस, अभी हमने इस फार्मिंग सिमुलेटर में बहुत सारी चीजें चेंज कर दिया है। जो लोग लाइव स्ट्रीम फॉलो नहीं कर रहे थे उनको शायद ही पता हो ये सारी चीजें, बट जिन्होंने लाइव स्ट्रीम फॉलो किया होगा उन्हें सारी चीजें पता होंगी। हमारे पास बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं। देखो, हमारे पास यहाँ पर कॉटन है जो कि हमने हार्वेस्ट करके रखा हुआ था। फील्ड को हम बाय करते थे, वहां से हार्वेस्ट करके फिर फील्ड को सेल कर देते थे। बाकी यहाँ पर देखो, हमारे पास हे पड़ा हुआ है, साइलेंस पड़ा हुआ है, बाकी मिनरल वगैरह सारी चीजें मैंने ला के रख दिया है। और गाइस, एक बार मेरे पास पैसे देखो कितने पड़े हुए हैं, 4 मिलियन पड़े हुए हैं। बहुत मेहनत करके इतना पैसा कमाया मैंने। और यहाँ पर कुछ प्रोडक्शन यूनिट और बढ़ गई हैं, जैसे कि ये वाली प्रोडक्शन यूनिट है, यहाँ पर फैब्रिक बन रहा है। बाकी फैब्रिक बनने के बाद ये है टेलर शॉप, यहाँ से बनते हैं क्लॉथ वगैरह। यहाँ पर देखोगे तो 3 पैलेट क्लॉथ बने हुए हैं जिनको हम सेल कर सकते हैं। बाकी और भी बहुत सारी नई चीजें बाय किया, जैसे ट्रक तो हमारे पास पहले से पड़ा हुआ था, ये ट्रेलर हमने नया बाय किया है। उसके बाद ये वाली ट्रेलर हमने नया बाय किया है, ये वाले टैंकर जो है ये भी बाय कर लिया है। सारी चीजें हमारे पास अब हो रही है धीरे धीरे। ये जो हार्वेस्टर का हेडर है ना, ये भी हमने बाय करके रखा हुआ है। एक ये ट्रेलर भी है। बाकी यहाँ पर देखो, लाइट वगैरह भी मैंने लगा दिया। रात के टाइम में ना बिल्कुल अंधेरा यहाँ पर नहीं रहता, चारों साइड लाइट लगा दिया है। जिधर देखोगे उधर लाइट ही लाइट तुम्हें दिखेगा। नाइट व्यू भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। बाकी आज का प्लान ना बहुत सारा कुछ करने का है, जैसे कि ये ग्रीन हाउस मुझे यहाँ से हटाने हैं, क्योंकि ये ग्रीन हाउस ना यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम दे रहे हैं। इसको ना दूसरे साइड को एकदम लाइन से लगाना है, जिससे कि मैं ट्रक वगैरह आराम से इसमें से सीधा लेके जा पाऊँ। यहाँ पर ना थोड़ा सही से मैंने नहीं लगाया है, इसको थोड़ा सही से लगाना है। बाकी यहाँ पर हमने एक बड़ा सा सीप बांध लगा दिया, जहाँ से बहुत ही ज्यादा वूल का प्रोडक्शन हो रहा है। और यहाँ पर काउबान है, एक बड़ा वाला काउबान भी आज बनाने वाले हैं। पिछली बार तो हम नहीं बना पाए थे, बट एक बड़ा काउबान इस वाले जगह पर बनने वाला है। अभी यहाँ से मिल्क कितना हुआ है, 8,000 लीटर मिल्क का प्रोडक्शन हो चुका है। यहाँ पर एक बड़ा सा और काउबान लगाने वाले हैं, जिससे कि और भी ज्यादा मिलकर प्रोडक्शन होने वाला है। तो आज इतनी सारी नई नई चीजें करेंगे कि आप लोगों को मजे ही आ जाएंगे। तो अभी तक अगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दो। यहाँ से ग्रीन हाउस हटाने से पहले ना यहाँ पर जितना भी प्रोडक्शन हो रखा है वो मुझे हटाना पड़ेगा, नहीं तो जैसे यहाँ से ग्रीन हाउस डिलीट करूंगा ये सारी चीजें यहाँ से सीधा रफो चक्कर हो जाएंगी, मेरा नुकसान हो जाएगा भाई। इससे अच्छा मैं अपना ये ट्रक लेता हूँ और फटाफट से वहां से जितना भी प्रोडक्शन हुआ है सारा हटा लेता हूँ। बाकी गाइस, अगर आप लोगों को टाइम मिलेगा तो लाइव स्ट्रीम देख लेना, बहुत ही ज्यादा मजे किए थे लाइव स्ट्रीम में, बहुत सारी नई नई चीजें किया था, पैसा वगैरह भी हमने बहुत कमाया उसमें। चलो फटाफट से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बाय द वे, ये वाली जो हमारी ट्रेलर है ना, ये ऑटोमेटिक ट्रेलर है, यहाँ से पैलेट वगैरह ऑटोमेटिक उठ जाते हैं। बस अपने को कुछ करना नहीं होता, यहाँ पर आके बस थोड़ा सा चेंज वगैरह करना पड़ता है। ये देखो लोड होना स्टार्ट हो गए, पट से लोड हो जाता है। पहले हमें यहाँ पर ट्रैक्टर से ये सब लोड करना पड़ता था, जो कि काफ़ी ना मुश्किल होता था। चलो इधर का लोड हो गया, इस वाले लाइन का पूरा लोड हो गया। यहाँ से इस ग्रीन हाउस को मुझे इसीलिए हटाना है, देखो यहाँ पर ना ट्रक वगैरह आराम से नहीं आ पाती और जगह की कमी भी है, तो यहाँ से हटा के किसी और जगह पर प्लेस कर देंगे तो वहाँ पर जगह अच्छा खासा रहेगा, तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगा। पट से ट्रक लेके आएंगे और लोड हो जाएगा। इसके लिए हो सके तो एक नया जो है ना फील्ड भी बाय करेंगे, क्योंकि हमारे पास फील्ड वगैरह तो है नहीं, थोड़े बहुत बस फील्ड पड़े हुए हैं। इधर से मैंने उठा लिया, चलो डन, इसको लेके चलते हैं और उधर साइड को उठाते हैं। ओके, अभी यहाँ पर जितने भी पैलेट थे वो सब उठा लिया मैंने, बट अभी और भी पैलेट हैं और ये पूरा फुल हो चुका है, यहाँ से मुझे इसको हटाना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, अभी तो इसको सेल नहीं करना, एक बार को मैं प्राइस चेक कर लेता हूँ कि क्या प्राइस चल रहा है, उसके हिसाब से सेल करेंगे। अगर ठीक ठाक प्राइस चल रहा होगा तो मैं अभी के अभी सेल कर दूंगा इसको। हमारे पास लेटस पड़े हुए हैं, फरवरी चल रहा है अभी ना, तो अभी अच्छा प्राइस मिल रहा है। ओ नाइस, लेटस और टोमेटो दोनों का प्राइस अभी देखोगे तो ठीक ठाक ही मिल रहा है, तो एक काम करते हैं दोनों को सेल कर देता हूँ मैं। सबसे ज़्यादा महंगा ये कहाँ पर बिक रहा है, सब जगह लगभग सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पास में फास्ट फूड रेस्टोरेंट ही पड़ता है, तो यहीं पर सेल करके चले आते हैं, फालतू में फार्मर मार्केट पे क्यों जाए, वहाँ पर बस 10-15 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो फटाफट से इसको सेल कर देते हैं। वैसे इससे भी अच्छे खासे पैसे बन जाएंगे। और अभी थोड़ा सा इस साइड को बचा हुआ है, जैसे ही इनको हटा लेता हूँ ना, उसके बाद पूरा ये ग्रीन हाउस ही मैं डिलीट कर देता हूँ। इतने से कितना पैसा बन जाएगा, वैसे अच्छा खासा पैसा बन जाना चाहिए। और अगली बार से जब मैं ग्रीन हाउस में प्रोडक्शन स्टार्ट करूंगा ना, तो लेटस का प्रोडक्शन ज़्यादा करूंगा, क्योंकि वो ज़्यादा महंगे बिकते हैं, टोमेटो से ज़्यादा हमें प्रॉफिट नहीं होता। चलो भैया जी, फटाफट से अनलोड करना स्टार्ट करो। ये लो, अरे बेल्ट हटाओ। देखते हैं कितने का बिकता है टोटल। 14,000 का ये बिका, उसके बाद बंद हो गया बिकना। ठीक है भाई, इसको मुझे सीधा करके लगाना पड़ेगा, रुको सीधा करके लगाऊंगा तो फिर से स्टार्ट होगा। इतनी बड़ी ट्रक है ना कि जहाँ पर सेल होता है वहाँ पर खड़ी करो तो भी पूरा ट्रेलर आता नहीं है। अब होना स्टार्ट हो गया, ठीक है अब सेल हो रहा है। 32,000 का ये बिका, 14,000 का पहले बिका था और अभी थोड़ा सा पड़ा भी हुआ है, रुको इसको भी पूरा सेल कर देते हैं। अरे यार, ये आड़ा टेढ़ा करके लगाना पड़ता है तब जाके सेल होता है, इतनी लंबी ट्रक है ना। ये देखो $35-35 के बस बिक रहे हैं, जैसे जैसे पीछे आ रहा है वैसे वैसे वो बिक रहा है। अरे सेल हो जा भाई पूरा, क्या दिक्कत है।
जा रहा है धीरे धीरे। ये वाला ट्री कट कर देना चाहिए भाई इनको, इतनी बड़ी ट्रेलर है, बताओ कैसे लगाएं। चलो अब बिक जाएगा। ओके तो पूरा बिक गया, लगभग 46,000 या 47,000 हमें यहाँ से मिले हैं सिर्फ एक ट्रक सेल करने से। ग्रीन हाउस में वैसे प्रॉफिट तो है, अगर सारा लेटस रहता ना तो लगभग 60,000 रुपए बनते। टोमेटो में कम प्रॉफिट होता है, टोमेटो तो लेटस से हाफ प्राइस में बिकता है तो इसकी वजह से उतना प्रॉफिट नहीं दिखता हमें। ये वाले लाइन में का उठाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है क्योंकि यहाँ पर ना बिल्कुल गैप ही नहीं छोड़ रखा है मैंने। चलो जैसे तैसे करके यहाँ से इसको हटा तो दिया, अब ट्रक को लगाते हैं इधर साइड में। अब इसका अभी कोई काम नहीं है, इसको थोड़े टाइम बाद मैं सेल करूंगा ले जाके, ठीक है। अब मुझे यहाँ से ग्रीन हाउस हटाना है। ग्रीन हाउस हटाने से पहले मैं देख लेता हूँ कि ग्रीन हाउस मुझे प्लेस कहाँ पर करना है। आप लोग बोल रहे थे उधर लेक साइड बिल्ड करने के लिए, जहाँ पर की वाटर हो वहाँ से पट से वाटर लाके ग्रीन हाउस में डाल देंगे, तो वैसे ये वाला आइडिया भी सही था क्योंकि जब भी हमें ग्रीन हाउस में वाटर देना पड़ता है तो यहाँ से ये वाला जो लेक है ना छोटा सा, यहाँ से हमें लेके जाना पड़ता है पानी और वहाँ पर फिर डालना पड़ता है, काफ़ी दूर पड़ जाता है और इसमें टाइम भी जाता है। तो इससे अच्छा अगर मैं ये वाला फील्ड बाय कर लेता हूँ, ठीक है, तो हम यहाँ पर अपना ग्रीन हाउस लगा सकते हैं और काफ़ी बड़ा फील्ड है। इतने बड़े फील्ड में ग्रीन हाउस लगाएंगे ना बहुत क्रेजी भी लगेगा, प्रोडक्शन भी अच्छा होगा और वाटर की दिक्कत भी नहीं होगी। यहाँ से पट से उठाएंगे और यहाँ पर लेके चले आएंगे। ये क्या, ये लोग हवे में क्या कर रहे हैं? ओ भाई हेलो, जादू वादू मत करो यहाँ पर। ये सबसे बढ़िया रहेगा 54 वाले फील्ड में। यस, ये वाला फील्ड में तो नहीं करेंगे क्योंकि ये आड़ा टेढ़ा फील्ड है, अच्छा नहीं है। ये वाला फील्ड बिल्कुल सीधा सीधा है तो यहाँ पर लगा सकते हैं। एक बार को हम चेक करते हैं कि इस फील्ड का प्राइस कितना है, अगर ज़्यादा महंगा होगा तो फिर थोड़ी सी दिक्कत होगी। वैसे पैसे हमारे पास बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं तो महंगा क्या है भाई, आराम से ले लेंगे। कौन सा फील्ड है? ये वाला फील्ड है ना, 1,80,000 पड़ रहा है बस इतना ही। अरे भाई 4 मिलियन पड़े हुए हैं, 1,80,000 क्या ही बात है, चलो बाय करो। देख रहे हो गाइस पैसे होने के बाद क्या ही मेरी आ गई है भाई, ऐसा लग रहा है कि 1,80,000 कुछ नहीं है। आने दो आने दो आने दो, ये फाइनली अब हमारे पास कुछ और नए फील्ड हुए। चलो इस फील्ड में हमें पूरा ग्रीन हाउस लगाना है और इस बार ना थोड़ा स्पेस छोड़ छोड़ के लगाऊंगा, पिछली बार जैसा भसड़ करके नहीं लगाऊंगा कि ट्रक वगैरह ही ना जा पाए उसमें। पहले ये वाला पूरा डिलीट कर लेता हूँ, ठीक है। सेल करने के लिए कितने में बिक रहा है? 4,300 का बस बिक रहा है, 10,000 का लगा था 4,300 का बिक रहा है। वैसे सही है, 4,300 तक बिक जा रहा है ना, बहुत है भाई, थोड़ा तो पैसा निकल जाएगा ना। ऐसा नहीं है कि पूरा ही पैसा जा रहा है, थोड़ा पैसा आराम से निकल जा रहा है यहाँ पर। चलो आने दो आने दो, सबको सेल करने दो। ओके डन, सब मैंने सेल कर दिया और यहाँ पर ये वाला फील्ड हमारे पास अब खाली पड़ा हुआ है। वैसे बी हाइव्स भी मुझे यहाँ से हटाना है, ये भी यहाँ पर नहीं रहेगा, इसको भी मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ अभी के अभी। कहाँ गया, ये भी यहाँ पर नहीं रहेगा। चलो भैया जी आप भी चटको, 8,600 का जा रहा है, ठीक है। इसका ये स्पॉनर है, ये भी डिलीट करना पड़ेगा। डन सीन, पूरा क्लीन हो गया भाई यहाँ पर, देख रहे हो काफी स्पेस अब हमारे पास हो चुका है। अब चलते हैं अपने नए वाले फील्ड में और वहां पर काम स्टार्ट करते हैं। वैसे इस वाले फील्ड का टेरेन भी ठीक नहीं है यार, ऊबड़ खाबड़ तो यहाँ पर भी होने वाला है, बहुत भयंकर वाला, क्योंकि ग्रीन हाउस प्लेस करते हैं ना तो वो बिल्कुल सीधा हो जाता है, मतलब प्लेन सर्फेस हो जाता है, उसके साइड साइड की मिट्टी एकदम ऊपर उठ जाएगी, उसको थोड़ा बहुत मैनेज कर देंगे। अब देखते हैं कि हम कैसे प्लेस करने वाले हैं। यहाँ से चलते हैं ग्रीन हाउस में और बड़े वाले ग्रीन हाउस ही हमें प्लेस करने हैं यहाँ पर। इसका वाटर वाला किधर है? इधर है ना, तो ऐसे प्लेस करना स्टार्ट करेंगे, इधर से ऐसे, या फिर इस एंगल में प्लेस करें इस साइड से तो भी चलेगा। इधर से ऐसे सीधा जाते हुए वाटर डालने के लिए ट्रक ऐसे ऐसे लेके जाएंगे, और अगर हमें पैलेट वगैरह उठाने हो तो सीधा ऐसे निकल जाएंगे ट्रक लेके, ये भी ठीक रहेगा वैसे। तो पहला मैं प्लेस करता हूँ इस वाले जगह पर, यहाँ पर आ जाएगा ये, बूम, ओके सही है ना। अब इसके बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे, थोड़ा गैप नहीं अच्छा खासा गैप छोड़ेंगे, जिससे कि ट्रक इसमें से आराम से चले जाए वाटर लेके। इतने गैप में तो ट्रक निकल जानी चाहिए आराम से। ये हो गया दूसरा, इतने गैप में से ट्रक निकल जाएगी। नहीं, एक काम करते हैं थोड़ा और गैप छोड़ देते हैं, क्योंकि देखो चार तो प्लेस नहीं कर पाएंगे, तीसरा प्लेस करूंगा चौथा प्लेस नहीं हो पाएगा। तो वेट, ये डिलीट करो, सेल करो इसको, ठीक है। इसको प्लेस करता हूँ मैं इस वाले जगह पर, बूम, ठीक है। और ये प्लेस करेंगे एकदम एंड में यहाँ पर, ये सही है ना? यस, ये बिल्कुल सही है। बीच में देखोगे तो अच्छा खासा गैप है जिसमें से हम ट्रक मोड़ भी सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। अब दूसरा प्लेस करेंगे हम यहाँ पर, इसके बीच में भी ट्रक जाने के लिए गैप छोड़ देंगे, वैसे इतना गैप तो इनफ होना चाहिए। यस, तो ये प्लेस करेंगे यहाँ पर, फिर उसके बाद ये आएगा यहाँ पर। भाई इनको अलाइन करने के लिए कुछ तो देना चाहिए था भाई, ऐसे पता ही नहीं लग रहा है कि कितना सीधा किधर से लग रहा है, बस ऐसे ही अंदाज से लग रहा है, थोड़ा बहुत टेढ़ा तो हो ही जा रहा है। ओके
तो टोटल मैंने 15 लगा दिया, मैं 12 लगाने के लिए सोच रहा था, बट टोटल 15 हो गए। 1 2 3 4 5, 5 10 15, टोटल 15 मैंने यहाँ पर लगा दिए। और गैप तो कुछ ज़्यादा ही है इस वाले में, तो कुछ ज़्यादा ही गैप हो गया। इसको और थोड़ा सा पीछे से लगाना चाहिए था, तब यहाँ पर ना बिल्कुल बराबर गैप दिखता, देखने में भी सही लगता। बट ठीक है, इसमें अलाइन करने का वैसा कुछ ऑप्शन नहीं है जिससे कि हमें बिल्कुल एकदम सीधा करके लगाएं, जितना था उससे मैंने काम चला लिया। और क्या ही लग रहा है गाइस, ओपी लगने वाला है ना, इतने सारे ग्रीन हाउस यार। अब एक काम करते हैं, बी हाइव्स भी लगा ही देते हैं, क्योंकि मैंने वहां से डिलीट किया है ना, तो अब यहाँ पर लगा देते हैं। इसको भी मैं थोड़ा ज़्यादा लगाने वाला, क्योंकि हनी से ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था। आप लोग बोल रहे थे कि इससे प्रॉफिट नहीं होता, बट ठीक है भाई, इसमें कुछ करना ही नहीं है, ना इनको पानी देना है, ना इनको खाना देना है, कुछ भी नहीं देना, फिर भी अच्छा खासा प्रॉफिट दे देते हैं ये लोग, तो क्या ही दिक्कत है। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पर ना ऐसे लाइन से मैं लगा देता हूँ, इस साइड को लगाओ या फिर इसको इधर कहीं पर लगाओ। इस बीच वाले एरिया में मैं क्या करूँगा, इस बीच वाले एरिया का कोई प्लान तो अभी नहीं है, तो इसको ना एकदम साइड में लगाता हूँ, इधर साइड को। कुछ प्रोडक्शन की यूनिट रहेंगी तो मैं इधर को लगा दूंगा, इस साइड को। ये आ जाएगा पहला, ये आ जाएगा दूसरा। इसको तो हम बिल्कुल ना पास पास लगा सकते हैं ऐसे। ये दूसरा आ जाएगा, ये तीसरा, एक लाइन से ही लगा देता हूँ भाई। 4 मिलियन से 3.7 मिलियन हो गए। ओ भाई साहब, अगर इस स्पीड से पैसे में खर्च करूंगा ना, थोड़े टाइम बाद फिर से भिखारी हो जाऊंगा, फिर से भीख मांगने की नौबत आ जाएगी भाई। ओके, ये देख रहे हो पूरा बी हाइव सी हो गया इतना ज्यादा। अब भी इसका स्पॉनर एक ही बनेगा यार, एक स्पॉनर तो नहीं बनना चाहिए, इतने सारे बी हाइव्स में स्पॉनर तो ज्यादा बनना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर एक लगाता हूँ, ओ हाँ देख रहे हो, सिर्फ एक ही स्पॉनर बन रहा है, ये क्या दिक्कत है भाई। स्पॉनर तो कम से कम 2-3 दे देते, बहुत प्रॉब्लम होता है एक ही स्पॉनर से हमें कलेक्ट करने में, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है, इतने सारे बी हाइव्स का एक स्पॉनर। तो इसको मिडल में लगा देता हूँ यहाँ पर, यहाँ से हम कलेक्ट कर लेंगे आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो देखते हैं कितना स्पॉन होता है यहाँ से। बाकी अभी यहाँ पर ना थोड़ा इसको सही भी करना पड़ेगा, पेंट वगैरह तो करना ही पड़ेगा। ग्रास वाले से ही पेंट करता हूँ, थोड़ा ब्रश साइज को मैं बढ़ाता हूँ और इधर से पूरा ऐसे ग्रास कर देते हैं। इस पूरे फील्ड को ही ग्रास कर दूँ क्या? हाँ ना, इस पूरे फील्ड को ग्रास कर देते हैं तो ज़्यादा सही लगेगा। पैसे लग रहे हैं क्या? ओ भाई क्या दबा के पैसे लग रहे गाइस, एक बार पैसे देखो घटने की स्पीड, ओ भाई साहब। बट कोई बात नहीं, बिना पेंट किए तो बहुत ही ज़्यादा गंदा लगेगा यार, पेंट करके इसको अच्छा दिखने का बनाना ही पड़ेगा। ओके, पूरा पेंट कर दिया मैंने। वैसे मुझे पेंट करके उसके बाद इसको प्लेस करना चाहिए था, उससे क्या होगा ना, ये जो यहाँ पर पेंट रहता है ना ग्रीन हाउस में, वो वाला बिल्कुल बराबर रहता है। ऐसे क्या हो रहा है, कहीं पर देखोगे तो थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है, ये देखो डर्ट है यहाँ पर, फिर ग्रास हो गया है, तो पेंट करने के बाद लगाना चाहिए। बट ठीक है, ये चीज़ मुझे अब भी समझ में आई है। तो अभी ये देखो बिल्कुल क्लीन दिखने लग गया, और बाकी काफी ज्यादा बड़ा ग्रीन हाउस का एरिया भी हो गया। एक चीज और हम यहाँ पर कर सकते हैं वैसे, अगर हम यहाँ पर ये सब लगा दें फेंस वगैरह, तो आई थिंक देखने में ज्यादा अच्छा लगेगा। फेंस हम इधर से लगा सकते हैं ऐसे करके, यहाँ से लेके सीधा फेंस खींच सकता हूँ मैं यहाँ तक के लिए, या तो हम रोड साइड से फेंस लगा सकते हैं या तो फिर इधर से फेंस लगा सकते हैं। वैसे ये पूरा एरिया ही हमारा है ना, तो रोड साइड से फेंस लगाते हैं ना ऐसे करके, यहाँ से ऐसे फेंस लेके चलते हैं, ठीक है। ऐसे कहीं से भी कोई भी घुस ना जाए इसमें, उसके लिए ये फेंस लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से अभी के लिए यहाँ तक लगा देते हैं। भाई काफी महंगा फेंस पड़ रहा है यार, इतने दूर तक मैंने फेंस लगा दिया। इधर को भी फेंसिंग कर सकते हैं, अगर हम यहाँ से इसको लेके चलें तो इसको लेके आ सकते हैं इधर तक बराबर, और कोई हमारे फील्ड में इधर से ना घुस पाए, और इसको यहाँ पर ला देंगे। ये देखो बिल्कुल सिक्योर हो गया, इधर से भी कोई नहीं आ सकता, और ये पूरा ऐसे इधर से फेंस लग गया। ओ भाई क्या ही मस्त लगने लग गया ना फेंसिंग करने के बाद। पीछे साइड से भी फेंसिंग कर सकते हैं इस साइड से, बट अभी उधर से मुझे कोई जरूरत नहीं है भाई। एक बार को ग्रीन हाउस देखो यार, कितना ओपी लगने वाला है। ओ नाइस, काफी खुला खुला एरिया मैंने बना दिया है, देखने में तो बहुत ही सही लगने वाला है। पहले वाले में तो जगह ही नहीं हुआ करता था, यहाँ पर तो जगह ही जगह है भाई। पूरा ट्रक मोड़ लो, देख रहे हो, यहाँ से लाके यहाँ पर ट्रक लाओ, सीधा ट्रक मोड़ सकते हो तुम इसमें से। वैसे मैंने कुछ ज्यादा ही स्पेस छोड़ दिया है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पेस जितना ज्यादा रहेगा ना उतना हमें ही फायदा रहेगा, प्रॉब्लम नहीं होगा हमें। अब एक चीज हमें ये करना पड़ेगा, सबका मुझे वो सेट करना पड़ेगा प्रोडक्शन, ठीक है, एक एक का। सबसे ज्यादा हमें लेटेस्ट का प्रोडक्शन करना है, और सबके सब स्टोरिंग में रहेंगे, तो लेटेस्ट को एक्टिवेट कर देता हूँ मैं। इसमें लेटेस्ट एक्टिवेट हो गया, इसमें एक्टिवेट करो, इसमें एक्टिवेट करो, इसमें एक्टिवेट करो। ज्यादा टोमेटो नहीं उगाएंगे, या तो फिर सब लेटेस्ट ही कर दो यार, क्योंकि लेटेस्ट में ही ज्यादा फायदा होता है, टोमेटो में तो फायदा होता ही नहीं है। जब कुछ प्रोडक्शन यूनिट लगाएंगे जहां पर टोमेटो की जरूरत पड़ेगी ना,
तब फिर हम टोमेटो की फार्मिंग करेंगे। यस, ये चीज सही रहेगा। अभी अगर हमें ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना है ना, तो हमें लेटस ही उगाना चाहिए। सब में मैंने लेटस कर दिया और अभी तो ये सूखे पड़े होंगे ना। यस, सबके सब सूखे पड़े हैं। हमें सब में वाटर देना पड़ेगा। अब सबसे ज्यादा टाइम लेके जाने वाला है यही वाटर देने वाला। हमें लेना पड़ेगा अपनी ये वाली ट्रक। यहाँ से ट्रक लेते हैं, चलो। और हमें कनेक्ट करना पड़ेगा इसमें बड़ी वाली टैंकर। अच्छा हुआ हमने बड़ा वाला टैंकर परचेस कर लिया, नहीं तो बार बार हमें लीज पे लेना पड़ता था। अब बहुत सारे हमारे पास टूल्स भी हो गए हैं ना, तो इनके लिए हमें ना एक सेट भी बनाना पड़ेगा जहाँ पर हम इनको ना ऐसे अच्छे से रख पाएं। अभी तो देख रहे हो कहीं पर भी कुछ भी फेंका पड़ा है, जहाँ मन किया वहीं पर मैं ऐसे फेंक देता हूँ। कोई इज्जत ही नहीं है भाई इन सब टूल्स की, देख रहे हो सब कहीं पर भी किधर भी पड़े हुए हैं। वाटर देने से पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ से जितना भी मिल्क का प्रोडक्शन हो चुका है इस मिल्क को मैं पहुँचा देता हूँ डेयरी में, जहाँ से कि चीज वगैरह बनता रहे। और ये वाले फील्ड में भी मुझे प्लांटेशन करना है, इसमें अभी किस चीज़ का प्लांटेशन कर रहे हैं। वैसे सनफ्लावर का प्लांटेशन ही कर सकते हैं, अभी तो उन्हीं सब की फार्मिंग चल रही है। इसको लेके आते हैं यहाँ पर। अरे कहाँ पर अड़ गया ये? ठीक है भैया जी, थोड़ा आराम से चलो। अब इसमें फिल करो, 8000 लीटर तो होगा ये ना, 8500 लीटर है। बड़ा वाला काउबान लगा देंगे ना तो बहुत ज़्यादा मिल्क का प्रोडक्शन होने वाला है, तो आज बड़ा वाला काउबान भी लगने ही वाला है। इसको हम यहाँ पर खाली करा लेते हैं। ये देखो ट्री वगैरह भी रास्ते में मैंने लगा दिया है, कितना कूल लग रहा है देखने में। सीधा इधर से लेके जाओ यहाँ पर, चलो। अब इसको मैं यहाँ पर पूरा खाली कर देता हूँ, डन। यहाँ पर चीज़ वगैरह बनता रहेगा। अब हम टैंकर लेके चलते हैं और वाटर देने का काम स्टार्ट करते हैं। एक काम करते हैं, रोड से टैंकर लेके चलते हैं। ये देखो रोड से हमारा ग्रीन हाउस कितना ज़्यादा ओपी लग रहा है। काफ़ी बड़े फील्ड में हमने ग्रीन हाउस लगाया है, यहाँ से रोड से भी दिख रहा है, नाइस। अब पहले से काफ़ी अच्छा हो गया। यहाँ पर आएंगे, पट्ट से यहाँ से वाटर भरेंगे और वहाँ पर ले जाके वाटर फिल कर देंगे। नहीं तो पहले थोड़ा दूर जाना पड़ता था, तो उसमें थोड़ा सा टाइम भी लग जाता था। अब हमें दूर जाना नहीं है, यहाँ पर आना है, फिल करना है, पट्ट से यहाँ पर लेके जाना है। भाई इससे बड़ा टैंकर भी देना चाहिए था यार, 30,000 लीटर के टैंकर दिया हुआ है इन्होंने, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। एक ग्रीन हाउस में 20,000 लीटर आते हैं, तो सोचो हमारे पास 15 ग्रीन हाउस पड़े हुए हैं, तो कितना ज्यादा ये टाइम लेके जाने वाला है वाटर देने में। एक एक ग्रीन हाउस को हमें फिल करना पड़ेगा यार, 15 से 20 मिनट तो लेके चला ही जाएगा ये। चलो एक टैंकर तो फुल हो गया, 32,000 लीटर आते हैं इसमें। ओके, अच्छा हुआ ट्रक हमारे पास अच्छी है, जिससे कि इसको आराम से खींच पाता है, नाइस। यहाँ से लेके चलेंगे और यहाँ पर अब खाली करना स्टार्ट करेंगे। चलो भैया जी, जैसे इसमें वाटर आता है ये देखो ग्रीन हो गया और थोड़े टाइम में प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। वैसे इसमें हम पूरा ग्रीन हाउस ही लगा सकते हैं वहाँ तक जब हमें ज़रूरत लगेगी। तो अगर हमारे पास प्रोडक्शन यूनिट थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे ना, तब और यहाँ पर एक्स्ट्रा ग्रीन हाउस ऐड कर देंगे। अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन यूनिट है नहीं, धीरे धीरे प्रोडक्शन यूनिट बढ़ाते जाएंगे। तो अगर हमें टोमेटो का ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ गया या तो स्ट्रॉबेरी का ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ गया, तो हमारे पास ग्रीन हाउस ज़्यादा रहेंगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, तो उस टाइम हम यहाँ पर ग्रीन हाउस बढ़ा सकते हैं। पूरा फील्ड बाई कर लिया, जब मन करेगा तब हम यहाँ पर ग्रीन हाउस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो काम करता हूँ फटाफट से, मैं सब में वाटर दे के कम्प्लीट करता हूँ, उसके बाद फिर कुछ नई चीजें करते हैं। 2000 years later. Okay guys, तो चलो सब में मैंने वाटर दे दिया है, बस ये लास्ट बाकी रह गया है ये वाला, इसमें बस वाटर देना है। काफी टाइम वैसे लग गया वाटर देने में, तो एक लास्ट ये है, इसको भी कम्प्लीट कर देते हैं। पूरा ग्रीन हाउस का यहाँ पर काम कम्प्लीट हो चुका है, ग्रीन हाउस वर्क करने लग गए। और वैसे इसको मैंने इस पे रखा हुआ है ना, मतलब कि स्टोरिंग पे रखा हुआ है ना सबको, एक बार को चेक कर लेता हूँ। यस, सब स्टोरिंग पे है, सबको हम अपने हिसाब से सेल करेंगे, ठीक है। चलो डन, यहाँ पर भी पानी दे दिया और रात होने वाला है, तो एक काम करता हूँ थोड़े बहुत लाइट्स वगैरह भी इधर को लगा देता हूँ। और अब ट्रक वगैरह को यहाँ पर खड़ी कर सकते हैं हम, टैंकर को इस वाले जगह पर। वैसे यहाँ पर मैं एक सेट बना सकता हूँ जहाँ पर ट्रक वगैरह या तो कुछ व्हीकल वगैरह खड़ी कर पाऊँ, या तो फिर स्टोर करने के लिए बना सकते हैं, यहाँ से ग्रीन हाउस से उठा के यहाँ पर साइड में रखने के लिए। ये सारी चीजें कर सकते हैं, बट उससे पहले ये जरूरी काम कर लेते हैं, हम यहाँ पर लाइट्स लगा देते हैं। रात के टाइम में बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, तो उससे पहले ही हम यहाँ पर लाइट्स वगैरह लगा देंगे। बड़े वाला लाइट्स लगाओ, ये वाला तो आई थिंक यहाँ पर लगाना चाहिए ना। कितने का है? 400 का है ना, तो एक आएगा ये। अच्छा ये मैं कहीं पर लगा सकता हूँ? नहीं, अपने लैंड पर ही लगा सकता हूँ। एक आएगा यहाँ पर, एक आएगा यहाँ पर। अच्छा इस साइड को लगा ही नहीं सकता, चलो ठीक है इस साइड को लगा दिया, थोड़ा इधर को लाइट हो जाएगा। वैसे ये वाले लगा सकता हूँ उधर को ना, अपने फार्म के साइड पे आने के लिए। ये ज़्यादा लाइट दे नहीं रहा है, कोई तो होगा जो थोड़ा अच्छा लाइट देता हो। ये वाला चलेगा, यस यस ये वाला चलेगा। इसको लगाते हैं इस वाले जगह पर, बराबर इधर से अगर आना हुआ तो थोड़े से लाइट्स हो गए इधर को, ठीक है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे और भी ज़्यादा बड़े वाले, ये लगा दूँ ऐसे साइड साइड में,
इस रोड के पूरे साइड साइड में। लगा तो सकते हैं वैसे, बट ट्रक वगैरह अटकेगी ना। नई टेक्निक चाहिए, इधर को भी छोड़ देते हैं, इधर को भी छोड़ देते हैं। ठीक है, तो एक लगाता हूँ यहाँ पर, दूसरा लगाता हूँ यहाँ पर इस वाले जगह पर बराबर, तीसरा लगाता हूँ मैं यहाँ पर, और घर पर जाने के लिए भी रास्ते में लगाने पड़ेंगे यार। ठीक है, इतनी दूर अंधेरा रहेगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अब और क्या कर सकते हैं, इस साइड को भी थोड़े बहुत लगा सकते हैं फार्म के पीछे ऐसे करके। यहाँ पर लग नहीं रहे, लगने तो चाहिए, ओवरलैप हो रहा है भाई, किस बात का ओवरलैप, यहाँ पर तो लग जाना चाहिए, यहाँ पर लग रहा है रोड पे, कोई बात नहीं। अब एक काम करता हूँ, ये वाला लगाता हूँ, लार्ज फ्लड लाइट। ओ भाई देख रहे हो कितना ज्यादा बड़ा है, ऐसा लग रहा है स्टेडियम में लगा रहे हैं। एक लगाता हूँ यहाँ पर, 1500 का ये है ना, वन। एक लगाता हूँ यहाँ पर, टू, और एक लगाते हैं एकदम लास्ट में बी के फार्म के साइड यहाँ पर। थोड़े सा इस साइड को लाइट चाहिए तो इधर से लगा देता हूँ एक, एक आ जाएगा यहाँ पर। लो भाई लाइट ही लाइट, एक लगा देंगे हम बीच में यहाँ पर ऐसे करके, और एक लास्ट लगा देते हैं हम यहाँ पर। नहीं बस इतना ही, नहीं यार इधर को अंधेरा पड़ रहा है, इधर तो ठीक है बट इधर थोड़ा सा अंधेरा है, यहाँ पर ये लगा सकता हूँ। ठीक है, इधर को भी लाइट देगा, इधर को भी रास्ते में लाइट हो जाएगा, समझ रहे हो। और एक मैं ये लगा सकता हूँ इस वाले जगह पर ऐसे करके यहाँ के लिए, तो इधर से लाइट हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए भी लाइट हो गया हमारे पास। ओ नाइस, रुको ट्रक लेके चलता हूँ, टैंकर को यहीं पर रहने देते हैं, अब ट्रक लेके चलते हैं। भाई साहब क्या मस्त लग रहा है गाइस, रोड पे चल के देखते हैं क्या सीन है इधर वाले। ओ नाइस, सही है सही है सही है, लाइट वगैरह लगाने के बाद तो कूल लग रहा है भाई। यहाँ पर बस थोड़ा सा अंधेरा है, बाकी इधर जाओगे तो फिर से उजाला ही उजाला। ये और अब इधर को बहुत ज़्यादा एरिया खाली हो गया है, ये वाला एरिया देखो, इतना बड़ा फील्ड यहाँ पर खाली हो चुका है। दो पैलेट यहाँ पर पड़े हुए, दो पैलेट यहाँ पर पड़े हुए हैं, इसको हटा देता हूँ रुको, और इसको ले जाकर सेल भी कर देता हूँ। चलो आने दो आने दो आने दो, ये लोड हो गया डनसीन, और अब लोड करना है ये, तुम भी आ जाओ भैया जी, डन, पूरा लोड हो चुका है। ए गिर गया, अच्छा लोड हो गया, ठीक है वापस से, थोड़ा हग्गास हो गया इधर उधर, इसको मैं सेल कर देता हूँ अब। ये लो फटाफट से पैसे निकालो पैसे, ओके टोटल 11,800 रुपये का सेल हुआ यहाँ पर, चलो ठीक ठाक पैसा मिल गया, ज़्यादा था नहीं बट उतना पैसा मिल गया बहुत है। ट्रक को लगाते हैं साइड में और फटाफट से मॉर्निंग कर लेते हैं, क्योंकि अब रात के टाइम में हमारे पास कुछ काम वाम है नहीं करने को। चलो फटाफट से सो के उठते हैं, और एक बार ये देखो नाइट का व्यू अपने इस फार्म का कितना ज़्यादा सही हो गया है ना, पूरा लाइट ही लाइट हो गया है। इस वाले जगह पर बस थोड़ा सा अंधेरा दिख रहा है बट इतना तो चलेगा। ओके फरवरी 2 आ चुका है, और यहाँ पर थोड़ी सी बर्फबारी हुई दिख रही है, ज़्यादा तो नहीं हुआ है बट थोड़ा बहुत बर्फबारी यहाँ पर हो रखा है। हम यहाँ पर ना कुछ और काम करने वाले हैं, ग्रीन हाउस को तो देखो काम हमारा हो गया, अब दूसरा ये करना रह गया है, हमें एक बड़ा वाला काउबन बनाना था, एक काउबन तो हमने यहाँ पर बना रखा है बट हमें एक बड़ा वाला काउबन बनाना है, तो बड़ा वाला काउबन हम बनाएंगे इस साइड को, इस वाले एरिया में बना सकता हूँ ना यहाँ पर, ये जो खाली छोड़ रखा है, या फिर दोनों काउबन वहीं पर लगाऊं। यार मैं सोच रहा हूँ ना एक यहाँ पर लगाते हैं, देखता हूँ कितना ज्यादा स्पेस लेता है, जो एकदम बड़े वाला होता है, सबसे ज्यादा बड़े वाला कितने का है, 7,22,000 डॉलर का था भाई, बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। 80 काउ इसमें रख सकते हैं, इसमें भी 80 रख सकते हैं, लार्ज काउबान। अच्छा इसमें फीडिंग रोबोट है, ओके तो हम यही वाला बनाएंगे ना, ये वाला ज्यादा बेटर है। ओ भाई कुछ ज्यादा स्पेस ले रहा है ये तो यार, ये तो यहाँ पर भी नहीं आ पाएगा भाई साहब, इसके लिए कुछ ज्यादा जगह चाहिए, ये यहाँ पर भी नहीं आने वाला। मुझे लग रहा था कि इस वाले फील्ड में लगा सकते हैं, आई थिंक ये वाला मैंने देखा हुआ था, क्या ये भी नहीं लगा सकते यार, इसके लिए हमें बहुत बड़ा फील्ड चाहिए, अगर हम इस वाले फील्ड में लगाते हैं ना तब जाके हमारा काम होगा। वैसे इस वाले फील्ड में लगा सकते हैं, क्या बोलते हो गाइस, मेरे हिसाब से तो सही रहेगा अगर हम इस वाले फील्ड में लगाते हैं तो दो लगा दूं क्या, अगर लगा ही रहे हैं तो दो लगा के ना बिल्कुल क्रेजी वाली चीज बनाते हैं, दो लगा देंगे तो सोचो मिल्क का प्रोडक्शन कितना ज्यादा होगा, फिर डेयरी हम थोड़े और बना सकते हैं। यस ये चीज कर सकता हूँ मैं, लेकिन दो लगाने में लगभग 1.5 मिलियन तो आराम से चले जाएंगे भाई, हमारे पास 3.5 मिलियन पड़ा हुआ है।
अरे कोई बात नहीं भाई, करना है तो कुछ तूफान ही करते हैं। एक लगाता हूँ मैं इस वाले जगह पर, बराबर रहेगा ना? यहाँ पर थोड़ा स्पेस छोड़ देता हूँ पीछे साइड को ट्रक वगैरह घूमने के लिए। आई थिंक यहाँ पर बराबर रहेगा। बूम, ओ दूसरा प्लेस करेंगे भाई, पूरा फील्ड ले गया यार ये वाला। ठीक है, दूसरा प्लेस करता हूँ मैं, बीच में गैप छोड़ दिया और यहाँ पर प्लेस करना चाहिए। इधर साइड को भी गैप है थोड़ा बहुत, अगर सामान रखना हुआ तो लेफ्ट साइड को रख सकते हैं बराबर। थोड़ा और इधर कर देता हूँ, यहाँ पर ये आ जाएगा यहाँ पर। ओके, तो अभी तो कुछ ज्यादा ही क्रेजी चीज कर दिया गाइस। ओ भाई, एक बार यहाँ से देखो यार, एक तो लगाया ही, दूसरा भी लगा दिया भाई। वैसे मैं फिर से भूल गया यार, मुझे ना पेंट करके फिर लगाना था, फिर से हगास कर दिया मैंने। कोई बात नहीं, पेंट कर देते हैं। एनिमल मड नहीं, ये नहीं, हाँ ये यही चाहिए। ब्रश साइज को थोड़ा बढ़ाते हैं इधर से फिर। ए मड नहीं यार, वेट, डर्ट, डर्ट, यस डर्ट चाहिए, डर्ट से पेंट कर देते हैं पूरा। ओके, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर डर्ट लगा दिया, थोड़ा बहुत इधर को ग्रास लगा दिया, और स्पेस तो वैसे बीच में अच्छा मैंने छोड़ रखा है, काफी अच्छा खासा स्पेस छोड़ रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सामान वगैरह भी हम रख सकते हैं। इधर को क्या डालना है? ओ तो ये ऑटोमेटिक वाले में यहाँ पर बस हमें ला के डालना है, यहाँ पर हे डालना है, यहाँ पर स्ट्रॉ डालना है, यहाँ पर मुझे साइलेज डालना है बराबर। और रोबोट कहाँ पर है? ए गेट खोलो जरा, ए कैसा खुलेगा ये शटर? ए भाई उठाओ, ये तो खुल ही नहीं रहा। कहाँ से खुलेगा? अच्छा यहाँ से खुल रहा है, बट यहाँ से तो ये खुल रहा है ना, ये खुल गया, ठीक है। अच्छा ये बान है, ठीक है, और ये अलग सी बिल्डिंग है जहाँ पर प्रोसेस होगा, मतलब ये सारी चीजें बनेंगी, और फिर ये वाला रोबोट है ये ले जाके फिर फीड करेगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है ऐसा ही कुछ होगा। इसमें क्या जाता है? इसमें मिनरल जाएगा आई थिंक, हाँ ये रहा, मिनरल जाएगा इसमें। ओके, तो गाइस अभी मुझे ये लग रहा है ना कि मेरा बैंड बजने वाला है, क्योंकि मैंने दो लगा दिए हैं, और दो के लिए फूड, समझ रहे हो, लाखों रुपए का फूड खरीद के लेके आना पड़ेगा इनके लिए। भाई साहब ये तो कुछ ज्यादा ही तकलीफ वाली बातचीत हो गई यार। यहाँ से काऊ खरीदना स्टार्ट करते हैं, काम करते हैं। ये दोनों काऊ तो हमें खरीदने ही नहीं है, इन सबको हमें खरीदना है, टोटल 80 हम एक में खरीद सकते हैं। तो एक काम करता हूँ मैं, डायरेक्ट 18 मंथ वाले बाय करते हैं, जिससे कि प्रोडक्शन यहाँ पर जल्दी से स्टार्ट हो, समझ रहे हो, मुझे जल्दी से जल्दी पैसे चाहिए। एक बार मैं 60 बाय कर सकता हूँ, तो 60 नहीं, इसको मैं करता हूँ 36, इसको बाय करेंगे। कितने का पड़ जा रहा है? 59,400। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, आने दो आने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको भी बाय करते हैं, ये भी देती है ना मिल्क, यस ये भी मिल्क देती है, तो इसको भी 36 बाय करेंगे बराबर। डन सीन। स्पेस इसमें 80 का है, मैंने 72 रख दिया, इसमें तो बाय कर दिया, काऊ आ गई, इसमें भी बाय करके काऊ लाना पड़ेगा, बाकी फूड वगैरह फिर डालना पड़ेगा। भाई ये बहुत ज्यादा टाइम लेके जाने वाला है और बहुत ज्यादा पैसे भी लगने वाले, लेकिन गाइस इससे मिल्क का प्रोडक्शन मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। इसको सेलेक्ट करो पट से, 36 ये लाओ बराबर, ब्राउन स्विस 36 ये लाओ, चलो टोटल 72 इसमें भी आ गए हैं भाई। काऊ ही काऊ, उसके बाद दूध ही दूध होगा ये। तो चलो अब दूसरा काम ये है, अब इनके फूड का जुगाड़ करना पड़ेगा। फूड के जुगाड़ के लिए हमें लेना पड़ेगा अपना पट से ट्रक लेना पड़ेगा, नहीं कुछ तो यहाँ से लेके जाना पड़ेगा, नहीं इसे ट्रैक्टर से काम हो जाएगा। हमें यहाँ से साइलेज हे सब उठा के लेके जाने पड़ेंगे। और एक काम करता हूँ, आज कुछ नई चीज़ बाई भी करना है, रुको पहले साइलेज वगैरह वहाँ पर पहुँचा लेता हूँ, उसके बाद फिर बाई करते हैं। और यहाँ से पूरा स्ट्रा उठा के लेके चलता हूँ, इसको लेके चलता हूँ यहाँ पर, डन। चलो भैया जी फटाफट से लोड करना स्टार्ट करो, ये कितना सही है ऑटोमेटिक ट्रेलर का भाई, पट से लेके जाओ लोड हो जाता है, कोई लोचा ही नहीं। टोटल कितने हैं ये? 6। चलो इसको लेके चलता हूँ, बेल्ट लगा देते हैं जिससे कि गिरे ना ये। 3 एक वाले बान में डाल दूंगा और 3 एक बान में। भाई ये देखो रोड साइड से कितना ओपी लग रहा है ना, जे बात, यही तो चाहिए था यार। अब भी ना कुछ ओपी ओपी चीज़ें हो रही है, पैसे आने के बाद ओपी ओपी चीज़ें कर रहे हैं हम, पहले पैसे नहीं था भाई, रोते रहते थे हर वक्त कि पैसे ही नहीं है कैसे काम करें। इसको मैं यहीं पर अनलोड करता हूँ, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें लाना है ना। चलो इसको मैं काम करता हूँ, यहाँ पर अनलोड कर दो। ए रास्ते के बीच में आ गया, कोई नहीं इसको अभी हटाना ही है। अब हमें हे लाना है, फिर साइलेज लाना है, उसके बाद मिनरल लाना है, कितनी सारी चीज़ें हमें लानी है। यहाँ से ये साइलेज उठाना स्टार्ट करते हैं, चलो भाई फटाफट से लोड करो।
कितने लोड हो गए? कुछ ज़्यादा ही हो गए क्या? और भी आने दो, जितने आ सकते हैं सब आने दो। साइलेंस तो वैसे भी ज़्यादा लगते हैं। ठीक है, अब इसको भी लेके चलते हैं। यार इधर से रास्ता छोड़ देना चाहिए था बांध पे जाने के लिए, बट इधर रास्ता है ही नहीं। कोई बात नहीं, यहाँ से तो आराम से ट्रैक्टर चली जाएगी ना। यस, थोड़ा सा घूम के जाना पड़ेगा, बट ये सब अपना ही है ना, ये पूरा फील्ड भी अपना है, सामने वाला भी अपना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका रेसियो आई थिंक ये लोग अपने से बना लेंगे, बस हमें वहाँ पर ले जाके डाल देना है। रेसियो वगैरह का काम ये सब खुद कर लेंगे। इसको अनलोड करो यहाँ पर। चलो दो चीज़ें आ गई, अब लाते हैं तीसरी चीज़। तीसरी बोले तो हे लाना है अपने को। ठीक है, अब हमें TMR बनाने के लिए ये वाले मिक्सर में डाल के मिक्स नहीं करना पड़ेगा भाई, वो बहुत टाइम ले जाता था। चलो चलो आने दो आने दो, लोड हो जाओ लोड हो जाओ। हैं, लोड क्यों? हेलो, ये क्यों नहीं लोड हो रहा? होना तो चाहिए आई थिंक। लोड हो जा भाई। ओके, इसका लोचा ये है ना कि अगर ये वाला लोड हो गया बेल्स तो दोबारा दूसरा लोड नहीं होगा। तो इसको अनलोड करो, इधर को वापस से लाता हूँ, फिर लोड होगा। हाँ जी भैया जी, अब लोड हो जाओगे या अब भी नाटक होगा? अब तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये होने लग गए लोड। चलो आने दो, सब आने दो, पूरा है आ गया ना। चलो डन, इसको भी ले चल के वहाँ पर अनलोड करते हैं। एक लास्ट चीज़ बाकी रह गया, मिनरल, उसको भी ले जाना पड़ेगा। चलो ये आ जाएगा यहाँ पर। डन, सारा सामान मैं रास्ते में इधर अनलोड कर रहा हूँ। चलो अब ये मिनरल लेके जाना है। वैसे अभी कितने पड़े हुए हैं? 6 पड़े हुए हैं ना, 6 में काम हो जाना चाहिए। इसको भी लोड करो फटाफट। चलो डन, और इसमें बेल्ट लगा दो, और अब इसको भी लेके चलते हैं वहाँ पर अनलोड करते हैं। चलो ये अनलोड हो जाएगा यहाँ पर। बराबर, सारी चीज़ें मैंने अनलोड कर दिया। अब तो इस ट्रैक्टर का काम ख़त्म हो गया ना। ट्रैक्टर को मैं इधर साइड में लगा देता हूँ। अब हमें इन सब को ना एक एक करके उठा के लेके आना पड़ेगा और यहाँ पर डालना पड़ेगा। वैसे मैं डायरेक्ट ले आके यहाँ पर अनलोड कर सकता था, क्या गधा इंसान हूँ भाई मैं। लेकिन नहीं, ठीक है भाई, प्रोफेशनल काम करेंगे हम। हम आज बाय करने वाले एक नया और इक्विपमेंट, जो कि होने वाला है फोकलिफ्टर। यस, हमारे पास वैसे ट्रैक्टर में पड़ा हुआ है, बट और भी ज़्यादा हम इसको प्रोफेशनल वर्क करने वाले हैं, समझ रहे हो? पैसे आ गए ना तो बर्बाद तो करना ही पड़ेगा ना। तो मैं बाय करने वाला हूँ सबसे महंगे वाला, ये वाला बाय करेंगे और सीधा बाय करेंगे भाई, कुछ देखना ही नहीं है। टायर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं हम, व्हील सेटअप। अरे ठीक है भाई, आने दो। अरे लीज पे नहीं, लीज पे नहीं भाई, लीज पे कौन लेता है भाई, पैसे बहुत है। आने दो। एक और नया टूल्स आ गया हमारे फार्म पे। ये इतना छोटू सा है भाई और इतना महंगा मिल रहा है ये, लेकिन काम का चीज़ है वैसे गाइस ये। अब इसको लेके फटाफट से फार्म पे पहुँचते हैं। ओ भाई, 4000 साल लग गए मुझे यहीं पर आने में। अब चलो यहाँ पर काम स्टार्ट करते हैं, इसको लेके चलते हैं। एक सेकेंड, क्या हम इस मोड में काम कर सकते हैं, मतलब FPP मोड में? एक बार वो ट्राई करते हैं भाई, इसमें करने में और मज़े आएंगे और प्रोफेशनल लगेगा, समझ रहे हो तुम? चलो भाई इसको उठाओ, ये इसको लेके जाना है और अपने को स्ट्रॉ वाले सेक्शन में डालना है। बट इसको ना लूज़ करके डालते हैं, हम तो बिना लूज़ किए ले जा रहे हैं। ऑटोमेटिक हो जाएगा क्या? चेक करना पड़ेगा। अगर इसको मैं इसमें ले जा कर डालता हूँ तो ऑटोमेटिक लूज़ हो जाता है। प्लीज़ हो जाना, हैं हो रहा है क्या? एक सेकेंड, कुछ हो ही नहीं रहा। इसको मैं रख देता हूँ। ओ हो रहा है, हो रहा है, ये इजी है भाई। मुझे लग रहा था इसको पहले लूज़ करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा, तब ला के यहाँ पर डालना पड़ेगा, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लाओ पट से वहाँ पर रख दो, ईजी पीजी काम हो जाएगा। 3 इसमें डालता हूँ, 3 उसमें डालता हूँ, समझ रहे हो? 3-3 है ना, अभी जितना है उतने से काम चलाते हैं। इसको उठाओ, अब लेके चलो। यहाँ पर जितना भी स्ट्रॉ डालना था सब मैंने डाल दिया, बराबर। अब उसके बाद हमें हे डालने हैं, तो अब हे लेके चलते हैं। मैंने वैसे लाइन से लगा रखा है ना, तो एक बार में मैं 4 उठा के लेके जा सकता हूँ शायद से, ऐसा लग रहा है मुझे। ए थोड़ा ऊपर आ, टेढ़ा हो रखा है क्या? सीधा करता हूँ, आराम से आराम से आराम से। प्लीज़ 4 चले जाना, ज़्यादा मेहनत नहीं करना है मुझे अब। ये भी आ जा, ये भी आ जा, बराबर। और अब इसको उठाते हैं, ये इजी पीजी, देख रहे हो? ए नहीं 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 नहीं, अरे यार नीचे ही रह गया। और ऊपर उठा लेता हूँ वैसे, जे बात।
चला जाएगा आराम से चला जाएगा भाई, इजी पीजी एक ही बार में काम तमाम। चलो इसको यहाँ पर रख दो, नीचे आ जा भाई। कितना हुआ, एक तो ऊपर ही लटक गया। ये क्या है भाई, ये देख लो गाइस, क्या क्या देखने को मिलता है भाई। अब बताओ ये ऊपर लटक गया, अब आ गया नीचे। वाह भाई वाह, ये यहाँ पर शो नहीं कर रहा है यार। मैंने डाल तो दिया बट कुछ हो नहीं रहा, मतलब आई थिंक मुझे लगता है ना सारी चीज़ें डालनी पड़ेंगी तब काम करेगा। ए गिरना नहीं भाई, आराम से। ओके तो मैंने अभी ना इन सब में देखो साइलेज डाल दिया, स्ट्रॉ डाल दिया, हे डाल दिया, दोनों में, उसमें भी और इसमें भी। बाकी रह जाता है सिर्फ मिनरल डालना, मिनरल फील्ड डाल देंगे। फिर उसके बाद देखता हूँ कि ये सही से वर्क कर रहा है या नहीं। वैसे वर्क तो करना चाहिए, एक लास्ट चीज़ यही बाकी रह जाता है मिनरल वाला काम, ये भी कर लेते हैं। मिनरल मैं उठा सकता हूँ ना, इससे दो उठा सकता हूँ क्या एक बार में? वेट ट्राई करता हूँ, क्योंकि एक एक उठा के लेके जाने में टाइम लग जाएगा। अगर दो उठा सकते हैं तो काफ़ी आसान हो जाएगा। ओके जाने दो, आ जाना चाहिए दो पैलेट आराम से। नहीं आएगा यार, दो पैलेट उठाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। ये आ गया, दो पैलेट आराम से आ गया भाई, जेब बात। मिनरल फीड आई थिंक इसी में डालना है ना, एक बार को लेके चलते हैं फिर देखते हैं क्या सीन है। यहाँ पर हैं साइन, तो यहीं पर बना हुआ है। अच्छा यहाँ पर लेके आना है, ओके। काउबान ये वाला जो है, अच्छा ये वाला तो हमारा पहले वाला है जो पहले बना रखा था। एक ये है, इसमें भी फूड नहीं दिखा रहा है, ठीक है। एक ये है 36 और 36 कहाँ गए, ये है ना। ये फूड क्यों नहीं दिखा रहा, फूड डाल तो दिया मैंने सब, वर्क करना तो चाहिए, क्या सीन है इसका। इधर से कुछ ऑन करना पड़ेगा, आई थिंक रोबोट को ऑन करना पड़ता होगा, एक बार को देखता हूँ। हेलो भैया जी, रोबोट निकलो जरा। नहीं यार यहाँ पर भी कुछ आ नहीं रहा, फिर रोबोट कुछ कर भी नहीं रहा यहाँ से। बट इसमें सारी चीज़ें दिखा रही है, देखो हे दिखा रहा है, साइलेज दिखा रहा है, स्ट्रॉ दिखा रहा है, मिनरल फीड दिखा रहा है, लेकिन फूड बन नहीं रहा है। तो देखो अभी भी ये वर्क नहीं कर रहा है। फूड आ गया क्या, फूड वेट वर्क करने लग गया। वेट शायद से वर्क करने लग गया, मुझे लग रहा था कि कुछ ग्लिच वगैरह है इसकी वजह से वर्क नहीं कर रहा है। 1290 लीटर यहाँ पर फूड आ चुका है। ओके तो आई थिंक धीरे धीरे मिक्स हो रहा है, धीरे धीरे काम कर रहा है, तब जाके ये वर्क कर रहा है। तो साथ से इसको हम थोड़ा सा टाइम दे देना तो ये प्रॉपर वर्क करने लग जाएगा। एक बार को मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पर सही चल रहा है कि नहीं। यहाँ पर फूड आया है 1290 लीटर, अच्छा ठीक है। यहाँ पर भी आ गया 1290, यहाँ पर आ गया और 1290 यहाँ पर आ गया। स्लरी भी बनने लग गया, वाह भाई वाह, 150 लीटर स्लरी भी यहाँ पर बन चुका है। हेल्थ जो है 10% पे देखोगे तो हो गया है। अभी यहाँ पर ना एक सबसे जरूरी चीज लाके मुझे डालना है, वो है स्ट्रॉ लाके डालना है। मिल्क का प्रोडक्शन भी होने लग गया, 6 लीटर मिल्क आ गए भाई, ये तो बहुत जल्दी जल्दी मिल्क आ रहे हैं। 6 लीटर यहाँ आ गए और इधर मिल कितने हैं, 6 लीटर यहाँ पर भी आ गए। बस मुझे ना यहाँ पर स्ट्रॉ लाके डालना है जिससे इनका बेडिंग का काम हो पाए। मैं लेता हूँ ये वाली ट्रक, और स्ट्रॉ तो मुझे परचेस करके लाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास पड़ा हुआ नहीं है, और काफ़ी ज़्यादा लाना पड़ेगा क्योंकि बड़ा वाला बान है ना, तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा लग जाने वाले हैं। बाकी हमारा ग्रीन हाउस भी मस्त चल रहा है, अभी तो प्रोडक्शन वगैरह यहाँ पर नहीं हो रहा है, थोड़े टाइम में प्रोडक्शन वगैरह होने लगेगा। ये वाला फील्ड भी बाय कर सकते हैं, कुछ प्रोडक्शन यूनिट लगानी पड़ेंगी। ये वाला काम कर लेते हैं ना, उसके बाद देखते हैं कि क्या हम नई चीज़ लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं बाय करता हूँ फटाफट से, बेल्स बाय कर लेता हूँ, और हमें चाहिए ये वाले स्क्वायर बेल्स बाय करता हूँ। कितने बाय कर लूँ मैं, टोटल 8 बाय कर लूँ, 4 तो लग जाएगा आराम से ना, 10,320। आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ले चलते हैं, पहले यहाँ पर लोड करते हैं। चलो भैया जी फटाफट से लोड हो जाओ। ओके डन, सब लोड हो गए, बेल्ट लगाते हैं और फटाफट से फार्म पे लेके चलते हैं। चलो अच्छा हुआ यार वर्क करने लग गया, मैं तो सोच रहा था कि ये वर्क नहीं करने वाला है, ग्लिच हो गया है, कुछ तो दिक्कत है, बट फाइनली वर्क करने लग गया भाई। वर्क नहीं करता मेरे लग जाते यार, 1.5 मिलियन मैंने इस पे खर्च किया है, आधे पैसे मैंने इस पे लगा दिए, 1.8 मिलियन बस मेरे पास अब बचा हुआ है। चलो अभी के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको लगाता हूँ यहाँ पर, ये वाली ट्रेलर यहाँ पर रख देता हूँ, और मुझे इसको कट करने वाला लाना पड़ेगा ना जिससे स्ट्रॉ बनता है। और मैं सोच रहा हूँ ये काऊ यहाँ से सेल कर दूँ और यहाँ से ये बान भी सेल कर दूँ, क्योंकि अब इसका कोई काम है नहीं। हमारे पास दो बड़े वाले पड़े हुए हैं तो इनको भी फूड डालो, ये करो वो करो, उससे अच्छा है कि इनको सेल ही कर देता हूँ मैं, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। यस ओके
ये यहाँ पर लगाते हैं। इसको मैंने अनलोड नहीं किया यार, मेरा अनलोड किया, मैं इसमें से उतार भी नहीं सकता। वेट, इसमें कनेक्ट करो फटाफट से, डन, और इसको करो अनलोड यहाँ पर, और ट्रेलर को लगा देता हूँ इधर साइड में। इसके पास ले जाके मैं लोड कर सकता हूँ कि नहीं यार? ऐसा सिस्टम भी होना चाहिए था कि इसके पास लेके गए और इसमें लोड हो गया। नहीं यार, ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा होना चाहिए था। अब मुझे लेना पड़ेगा अपनी ये वाली फोक लिफ्टर, इससे उठा के उसमें डालना पड़ेगा। चलो एक काम करते हैं, यहाँ से दोनों उठा लेता हूँ, दोनों उठ जाएगा ना? यस, दोनों उठाते हैं और दोनों को एक साथ इसमें रख देते हैं। वैसे चार आ जाएगा एक बार में कि नहीं देखता हूँ, आ तो जाना चाहिए। इसको लेके चलो और ऊपर करते हैं। अरे अरे, वेट 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 वेट, थोड़ा और ऊपर करना पड़ेगा, अब बराबर है ना? नाइस, इसको करो नीचे। हैं, जा नहीं रहा? हेलो भैया जी, अब इसको छोड़ देते हैं, चला जाएगा। ए, 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 ए नहीं नहीं नहीं, अरे यार क्या फ़ायदा हुआ दो उठाने का, एक तो गिर ही गया। चुपचाप से इसके अंदर जाओ भाई, नाटक मत करो। डन, दो आ गए, एक और आ सकता है मुझे लग रहा है। रुको, एक और इसमें रखता हूँ, इसको ऐसे रखने का ट्राई करते हैं। ओके, थोड़ा और ऊपर करो, नाइस, बस इतना ही आगे जाता है। अरे यार कोई बात नहीं, आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, अब पीछे ला दो। डन सीन। रुको 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 रुको, यहाँ से इसको ऐसे उठा देता हूँ, जे बात, अब चला जाएगा। अब इसको लेके चलते हैं, पहले किस वाले में लेके चले? किधर से फेंकता है ये? इधर से ना, तो पहले इस वाले में लेके चलते हैं। ए नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। ये तो नीचे गिरने वाला है। अरे यार हग्गास मत कर भाई, चुपचाप से अंदर चला जा। तो ऐसे उठा के सीधा ही कर देता हूँ बिल्कुल, जे बात। पीछे लाओ थोड़ा, नाइस। ओ नहीं, अरे यार छोड़ो भाई, दो करके डालता हूँ, इतना नाटक क्यों ही करना, जितना टाइम इसमें लगा रहा हूँ अब तक तो हो गया होता। चलो यहाँ पर थोड़ा डालना स्टार्ट करते हैं। ओके, थोड़ा पीछे भी रख देते हैं इधर, चार एक बार में डाल देता हूँ, चार दूसरे वाले बार में डाल देता हूँ। कैपेसिटी तो आई थिंक इसका बहुत ज़्यादा ही होगा। वैसे अभी एक बेल ख़त्म हो रहा है ना? ओ हाँ, अभी एक बेल ख़त्म होगा, उसके बाद फिर दूसरा बेल आएगा। ओ ये देखो, पीछे रोबोट आ रहा है फूड लेके, भाई वर्क करने लग गया। वेट 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 वेट, चलो 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 बाहर चलो, इसको मैं बाहर लगाता हूँ। मैं कब से सोच रहा था भाई, रोबोट काम नहीं कर रहा है, कर रहा है कर रहा है। ये देखो, इसमें फूड लेके ये आया हुआ है और यहाँ पर डाल रहा है। आइए जे बात, ये अब मस्त वर्क करने लग गया। तो चलो गाइस, मैं फटाफट से इसमें भी स्ट्रॉ डाल देता हूँ और वो जो दूसरा वाला है उसमें भी डाल के कंप्लीट करता हूँ। इस वाले बाद में भी देखो रोबोट वर्क करने लग गया। ये देखो अभी अभी पीछे रोबोट आया है फूड लेके, तो दोनों में रोबोट अच्छे से काम करने लग गए हैं। ट्रैक्टर को मैं खड़ा करता हूँ यहाँ पर और स्ट्रॉ मैंने डाल दिया है। वैसे 35,000 लीटर इसमें स्ट्रॉ हो चुके हैं और इसमें कितने हैं? 35। चलो डन, और तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है ना। एक बार को यहाँ पर चेक कर लेते हैं, हेल्थ बढ़ने लग गया यहाँ पर, प्रोडक्टिविटी भी ये बढ़ रहा है, मिल्क आ रहे 33 लीटर हो गए स्ट्रॉ डालते डालते ही। भाई मिल्क का प्रोडक्शन तो देखो अच्छा खासा होने वाला है यहाँ पर, और TMR धीरे धीरे बनते जा रहा है। वैसे मुझे ना यहाँ पर और भी ज़्यादा ला के डालना पड़ेगा ग्रास वगैरह, क्योंकि ये थोड़े से कम है। ये देखो स्ट्रॉ तो यहाँ पर भी खत्म होने वाला है, मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉ ला के यहाँ पर डालना पड़ेगा। 5-6 बेल ला के हर जगह पे डाल दूंगा, जैसे 5-6 बेल स्ट्रॉ ला के यहाँ पर डाल दिया, फिर उसके बाद हे ला के डाल दिया, यहाँ पर ऐसे रख देंगे, जितने की जरूरत पड़ती जाएगी वो यहाँ से लेता चला जाएगा। तो ये सारी चीजें हम बाद में करेंगे, बाकी चलो अभी के लिए तो सारी चीजें बिल्कुल सही से चल रही है। इसका क्या करना है ये हम बाद में देखते हैं, इसको डिलीट करना है या क्या करना है। और हमने आज ग्रीन हाउस को लोकेशन भी चेंज कर दिया है, जो कि काफी ज्यादा सही जगह पे लगा दिया है। बाकी चलो गाइस, आज की वीडियो के लिए तो बस इतना रखते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई हो। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर देना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।